शूटिंग का प्रेसिडेंट कप राइफल एंड पिस्तल इवेंट जो पोलैंड में रोकलेव में 3 तारीख से शुरू हुआ था, उसमें अभी तक अगर समराइज करें तो इंडिया 1 गोल्ड मेडल के साथ है, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर अभी तक जीता है। पहले 10M एयर पिस्टल मिक्स टीम में मन्नू और ईरान का जावेद के जोड़ी ने क्वालिफिकेशन में 3rd पोजीशन बनाते हुए सेमीफाइनल 1 पे एंट्री की थी। सेमीफाइनल 1 पे भी 1st पोजीशन बनाते हुए फाइनल में पहुंची और फाइनल में जाके 16 पॉइंट के साथ फ्रांस और रशियन जोड़ी को हराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम की है। दूसरा जोड़ी था अभिषेक वर्मा और यूक्रेन का एलेना का, जो क्वालिफिकेशन में 5th पोजीशन बनाते हुए सेमीफाइनल में एंट्री ली थी। सेमीफाइनल में लेकिन 3rd पोजीशन बनाते हुए फाइनल में नहीं पहुँच पाया था। फिर सौरभ और स्विट्जरलैंड का हैदी का जोड़ी क्वालिफिकेशन में 8 पोजीशन बनाते हुए सेमीफाइनल 2 में पहुंचा, लेकिन सेमीफाइनल 2 में 4th पोजीशन बनाया और फाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाया। फिर अश्विनी और सल्वकिया का जुराज का जोड़ी ने क्वालिफिकेशन में 10th पोजीशन बनाया और क्वालिफिकेशन से आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 10M एयर पिस्टल मेन में इंडिया को मिला 2 मेडल। पहले सौरभ चौधरी जो क्वालिफिकेशन में 3rd पोजीशन बनाते हुए सेमीफाइनल 1 पे एंट्री लिया था, सेमीफाइनल 1 पे भी 24 पॉइंट के साथ 2nd पोजीशन बनाते हुए फाइनल में पहुंचा और फाइनल में जाके बहुत देर तक 1st पोजीशन बना के रखा, लेकिन अल्टीमेटली 2nd पोजीशन बनाते हुए 24 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। दूसरा खिलाड़ी है अभिषेक वर्मा जो क्वालिफिकेशन राउंड में 4th पोजीशन बनाते हुए सेमीफाइनल 2 में एंट्री लिया था, सेमीफाइनल 2 पे भी 27 पॉइंट के साथ टॉप पोजीशन बनाते हुए फाइनल में पहुंचा और फाइनल में 21 पॉइंट के साथ 3rd पोजीशन बनाते हुए ब्रॉन्ज मेडल से ये टूर्नामेंट खत्म किया। 10M एयर पिस्टल ओमेन में मन्नू भक्कर जो क्वालिफिकेशन में 1st पोजीशन बनाई, लेकिन सेमीफाइनल में जाके अचानक 3rd पोजीशन बनाते हुए फाइनल में पहुंच ही नहीं पाई। और एक खिलाड़ी था अश्विनी सिंह देसवाल जो क्वालिफिकेशन राउंड में 10th पोजीशन बनाया 567 पॉइंट के साथ, 1 पॉइंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई सेमीफाइनल के लिए। तो ये था अभी तक इस टूर्नामेंट का कहानी। राइफल में तो इंडिया अभी तक हिस्सा ही नहीं लिया है और पिस्टल में भी बहुत कम खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, तो आगे कुछ इवेंट और बचा हुआ है, मैं आने वाला दिन में बता दूंगा।